Mithak, we have seen आपको two different type of series AP and GP. AP और GP हम लोगों ने देख लिया. अभी एक आपको miscellaneous series बचा हुआ है. इसमें ये चार अलग-अलग आपको different series होंगे. इनको one by one देखना होगा. इन चारों पे भी exam में सवाल आपको आजकल फिलहाल आने लगा है, lately आने लगा है. तो एक बार देखना आपको जरूरी है. तो पहला देखेंगे हम लोग AGP, उसके बाद iterative series, उसके बाद user defined series, and then the last one will be your telescopic series. So we'll start with AGP, Arithmetico and Geometric Progression. AGP. Question rahega, aapko find the sum to infinite terms. And a series, it goes like, let's say, 2x plus आपको 5x square plus 8x cube plus 11x to the power 4 and plus आपको dot 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 up till infinite number of terms और data दिया रहेगा x lies between minus 1 से plus 1. Okay, तो इसका sum निकालना है ऐसे infinite number of terms. सबसे पहला thought है AGP नाम self-explanatory होना चाहिए कि एक कि एक टर्म एपी में रहेगा एक टर्म जीपी में रहेगा वो एजीपी का मतलब है हमेशा एक टर्म एपी और दूसरा टर्म जीपी में होता है तो अगर इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इनटू है प्रोडक्ट है गाइस हां तो या तो इनटू में रहेगा नहीं तो डिवीजन में रहेगा तो इनटू वाले पार्ट में देखो तो ये जो न्यूमेरिक टर्म आपको दिया हुआ है 2 5 8 11 एंड सो ऑन ये आपको एपी में चल रहा है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ प्लस 3 ये एपी में चल रहा है और जो दूसरा जो प्रोडक्ट वाला आपको जो बच गया टर्म ये x है x स्क्वायर है x क्यूब है x टू द पावर 4 है आपको ये gp चल रहा है एंड gp विद है कॉमन रेशियो x का चल रहा है और ये कॉमन रेशियो -1 से 1 है हम लोगों ने इनफिनिट gp में बात किया था s इंफिनिटी में a अपॉन 1 माइनस r होता है और जो कॉमन रेशियो रहता है वो -1 से 1 होता है तो इस gp का भी कॉमन रेशियो x है और वो कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तो इट मींस आपको कुछ तो क्लू मिलना चाहिए कि मे बी वी हैव टू यूज कहीं ना कहीं पे चल के a अपॉन 1 माइनस r वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा हां क्योंकि ये इनफिनिट gp है और ap का कॉम्बिनेशन है हां तो कैसे टैकल करेंगे वो देखिए इन सारे सवाल को AGP वाले को एक तरीका है कि ऑप्शन में आपको वैल्यू दिया रहेगा मान लो न्यूमेरिक सवाल रहेगा तो मतलब x की जगह पे मान लो वैल्यू रहता तो मे बी ऑप्शन दो तीन मिलाकर आप चेक कर सकते हो लेकिन इट्स नॉट ए गुड वे ऑफ सॉल्विंग तो अच्छा तरीका क्या रहेगा एक ही तरीका है स्टैंडर्ड वे आउट कि आपको जिसका भी सम निकालना है इस एक्सप्रेशन का सम निकालना है तो इसको एक कांस्टेंट से इक्वेट करिए तो मान लिया मैंने कांस्टेंट लिया अब k लिया ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने k लिया और k का वैल्यू निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा हां तो अगला स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द gp कॉमन रेशियो ऑफ द gp तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था कॉमन रेशियो x का चल रहा था GP में common ratio आता है, AP में common difference आता है, आपने को common ratio से multiply करना है, तो common ratio तो x का चल रहा है, x into x square and x cube and so on, तो उससे इसको multiply करिए, तो multiply करेंगे तो बनेगा xk is equal to, ये हो जाएगा 2x square, ये हो जाएगा, आपको 5x cube, ये हो जाएगा, 8x to the power 4 and so on, ऐसे करके multiply करोगे, ये भी infinite number of terms तक जाएगा, इसको erase कर रहा हूं, तो आप सोचो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है अगला काम करना है सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करना है और एक चीज आपको ध्यान रखना है कैसे माइनस करेंगे हां चलो माइनस किया ये माइनस करूंगा k माइनस xk इज इक्वल टू आगे 2x and 2x square are not like term guys. Like term का मतलब ये x square वाला part नहीं है. ये x है, ये x square. इसको minus करने पे तो कुछ मिलेगा नहीं. तो ये दोनों like term नहीं है. तो इसमें
इस टर्म को ऐसे ही लिख दो, आपको यहां पर उठाकर इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, आगे वाला टर्म में से इसको माइनस करेंगे। आप देख लो ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी एक स्क्वायर में है, ये भी एक स्क्वायर में है। इनको माइनस करूंगा तो ये आएगा आपको 3x2, इनको माइनस करूंगा तो ये आएगा आपको 3x3, इनको माइनस करूंगा तो आएगा आपको 3x4 एंड सो ऑन, ये भी इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ही जा रहा होगा। तो ऐसे सारे सवाल में यही कॉमन थीम चलने वाला है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा इसमें से इसको माइनस करना है। और जनरली ये पहला टर्म इसका और इसका पहला टर्म, ये दोनों आपको लाइक टर्म नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये पहला टर्म ऐसे ही लिख देने का है और इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है एंड सो ऑन। अभी आप बोलोगे माइनस करने का फायदा क्या हुआ, माइनस करने का फायदा आपको नजर आना चाहिए गाइस कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑनवर्ड, सेकेंड टर्म से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये इनफाइनाइट जीपी बन गया गाइस। आप देख लो फर्स्ट टर्म 3x2 है और कॉमन रेशियो आपको एक्स का चल रहा है, एंड वेयर मेरा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में था। और अगर ये इनफिनिट जीपी बन गया तो अभी आई कैन यूज एस इनफिनिटी इज ए अपॉन 1 - r। तो आंसर निकालते हैं यहाँ पे कि आपको कॉमन है 1 - x, ये 2x ऐसे ही छोड़ दीजिए, ए अपॉन 1 - r डालना है, तो होल्ड अप, ए अपॉन 1 - r डालना है, ए की जगह लिखूंगा मैं आपको 3x2, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और r मेरा x है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम होगा 1 - x, तो यहां आ जाएगा 2x - 2x2 प्लस आपको 3x2 अपॉन 1 - x, तो यू विल गेट x2 प्लस आपको 2x अपॉन 1 - x। ये तो k इंटू 1 - x का वैल्यू आया, मेरे को चाहिए था वैल्यू आपको k का, अगर k का वैल्यू मिलेगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आ जाएगा। तो माई फाइनल आंसर विल बी k का वैल्यू, ये 1 - x को RHS में ट्रांसफर करोगे तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और 1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑब्वियस है कि आंसर x के टर्म्स में ही आने वाला है, तो ये रहेगा, ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अगेन मैं रिकैप कर रहा हूँ, आप सबसे पहले पहचानना है कि AGP है कि नहीं, आफ्टर फिगरिंग आउट कि AGP है, एक टर्म AP और एक टर्म GP में होता है, या तो प्रोडक्ट में चलेगा नहीं तो डिविजन में चलेगा। उसके बाद आपको पहचानना है कि वो जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, वो पहचान लिया, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिए मल्टीप्लाई, आगे पहले में से दूसरे को माइनस करना है, ये माइनस किए, ये दोनों टर्म लाइक नहीं रहेंगे, अनलाइक टर्म रहेंगे, तो ये ऐसे लिखना है और इसमें से इसको एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। हमेशा माइनस करने पर क्या होगा, इनफिनाइट जीपी बन जाएगा, इनफिनाइट जीपी बन जाएगा तो उसका सम अपने को निकालने आता है ए अपॉन 1 - r, वो यूज करके ये k का वैल्यू निकाल लेंगे और जो k का वैल्यू आएगा तो वही इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा और मेरे को वही चीज मांग रहा था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आगे में और 2-3 सवाल देखेंगे, उसमें फ्रैक्शन में करके देखते हैं, अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन एजीपी, अभी लास्ट वाले हम लोगों ने प्रोडक्ट में देखा था, यहाँ आपको डिवीजन में मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले तो फिगर आउट करो एजीपी है कि नहीं है। न्यूमरेटर 3, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन, ये एपी में चल रहा है, आपका जो आपका डिनोमिनेटर जो है 1/5 एंड 1/5² एंड 1/5³ एंड सो ऑन, ये आपको जीपी में चल रहा है with a common ratio of 1/5, और since infinite number of term का AGP है तो इसमें infinite number का GP आपको छिपा हुआ होगा minus करने पर, तो minus infinite GP बनेगा, तो common ratio -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, आप देख लो -1 से 1 के बीच में। तो हम लोगों ने identify कर लिया कि AGP है, आगे बढ़ने के पहले एक constant assume करेंगे इस पहले equation को और कॉमन रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा k/5 = 3/5² + 7/5³ + 11/5² + 5^4 एंड प्लस आपको डॉट डॉट डॉट। ये बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है गाइस, ये 3-4 टर्म लिखना ही आपको उतना मोर देन सफिशियंट होता है, पैटर्न दे देगा आपको। तो अगला काम हम लोगों ने सीखा है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं,
तो माइनस करेंगे तो k माइनस k बाई 5, तो k कॉमन निकल जाएगा, आपको बचेगा 1 माइनस 1 बाई 5, एंड 1 माइनस 1 बाई 5 इज अब 4 बाई 5, तो k लगा रहेगा। अगेन जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में बात किया था, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो ये माइनस तो करना है, लेकिन मैं इसमें से माइनस करूंगा, इसको इसमें से करूंगा, इसमें से इसको करूंगा, तो ये टर्म तो ऐसे ही आपको लाके लिख दूंगा। ये दोनों लाइक टर्म है, भी आराम से माइनस कर सकते हैं, साथ में से तीन जाएगा चार, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ये माइनस करूंगा तो बनेगा 4 बाई आपको 5 क्यूब, ये करूंगा बनेगा 4 बाई आपको 5 टू द पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। अभी आप देखो माइनस करने का फायदा क्या होता था, आपको इनफिनिट जीपी कहीं से तो बनना चाहिए, 4 तो मेरे को सारे में नजर आ रहा है एक्सक्लूडिंग दिस, इट मीन नजर आना चाहिए कि यहां से इनफिनिट जीपी बन गया। ये देख लो, a होगा 4 बाई 5 स्क्वायर, और कॉमन रेशियो तो अभी भी 1 बाई 5 ही हो रहा है, माइनस करने पे कॉमन रेशियो नहीं बदलेगा, वो तो 1 बाई 5 ही रहेगा। तो आंसर निकालना है अभी, ये तो 3 बाई 5 आप छोड़ दीजिए, a अपॉन 1 माइनस r डालना है, a वाला पार्ट है 4 बाई 5 स्क्वायर, और r होगा तो आपको 1 बाई 5। अभी ये सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 3 बाई 5 प्लस 4 बाई आपको 5 स्क्वायर, ये 5 ऊपर जाएगा और यहां बनेगा आपको 4, तो 1 5 1 5 आपको गया कैंसिल आउट, 1 4 1 4 गया, तो यहां पे बचा 1, तो 3 बाई 5 एंड प्लस 1 बाई 5 इज 4 बाई 5। लेकिन आंसर तो मेरे को ये आपको k का निकालना था, कुछ रॉन्ग हुआ क्या? आंसर तो 1 आएगा, आंसर वन आएगा। ये चार चार गया, ये 1/5 बचा, एंड 3/5 एंड प्लस 1/5 इज 4/5, तो 4/5 के इसका वैल्यू 4/5 आया है, तो के का वैल्यू हो जाएगा 4/5 इनटू 5/4, तो आंसर शुड बी 1 इज द करेक्ट आंसर।